आम्ही ऊर्जा संस्थेच्या वतीने आता एक पथनाट्य इथे सादर केलं पिरगिड्स या सब्जेक्ट वरती या कन्सेप्ट वरती. खर तर या कन्सेप्ट वरती करणं सध्या अवेअरनेस होणं खूप गरजेचं आहे आणि ती संधी आम्हाला मिळाली. कारण याचा जो एक टॅबू आहे त्या टॅबू बद्दल बोलणं किंवा इतर ह्या विषयाबद्दल घरातही बोलणं खूप टाळलं जातं, पण अशा वेळी हे समाजामध्ये निरंतरपणे बोललं पाहिजे कारण ह्याच्यावर सुरक्षितते पण खूप गरजेची असते. तर ह्या अशा सब्जेक्टवरती आम्हाला काम करायलाची संधी मिळाली त्याबद्दल ऊर्जा संस्थेचे आम्ही खूप आभारी आहोत. आणि ज्यांनी ज्यांनी ही माहिती पाहिली ती खूप तन्मयतेने पाहिली आणि ज्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे ते पुढच्यापर्यंत नक्की पोहोचवतील याची अपेक्षा आहे आणि असे अवेअरनेस व्हायला हवे अशी गरज आहे सध्या काळात. नमस्कार, मी हिमांगी सुर्वे. ऊर्जा संस्थेतर्फे आम्हाला आज हे पथनाट्य सादर करायला मिळालं. विषय होता मासिक पाळी. आज आपण पाहतोच की मासिक पाळीच्या दरम्यान महिलांना काय काय यातना होतात, पण त्या सहन करून त्या आपल्या घरातील सगळ्या गोष्टी पाळून सगळं करून पिरियड्स पण पाळून सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देतात. आणि आम्ही छोटे छोटे सगळे विषय हाताळत हे पथनाट्य सादर केलंय आणि हे पथनाट्य सादर करताना आमच्यामध्येही ती एखादी मुलगी जेव्हा तिला पहिल्यांदा पिरियड्स आले तेव्हा तिने काय पाहिलं असेल, काय भोगलं असेल किंवा कोणाकडून काय ऐकलं गेलं असेल, या तिथून आजपर्यंत की जो सपोर्टही आत्तापर्यंत आपल्याला मिळतो की बाबा नाही हे या सगळ्या गोष्टी ॲक्सेप्ट केल्या पाहिजे, सगळ्यांसमोर खुलेआम बोलल्या गेल्या पाहिजेत. आणि हेच आज आम्ही पथनाट्याद्वारे तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे. आज आम्हाला तिघींनाही खूप छान वाटतंय की आम्हाला हा विषय सगळ्यांसमोर खुलेआम मांडता आला. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव दीपिका खरात. मी आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्ट या अंतर्गत एक उजास नावाचा प्रकल्प आपण चालू केलेला आहे आणि हा प्रकल्प स्पेशली मासिक पाळी व्यवस्थापन या विषयावर आपण अवेअरनेसचं काम करतोय. पुणे शहर आणि इतर 7 जिल्ह्यांमध्ये आपलं मासिक पाळी व्यवस्थापन या विषयावर काम चालू आहे. आपण स्पेशली शाळा महानगरपालिकेच्या शाळा, काही प्रायव्हेट स्कूल्स अशा शाळेंसोबत आपण मुलामुलींमध्ये जनजागृतीचं काम करत आहोत. आणि त्याचबरोबर आता येत्या 28 मे रोजी जागतिक मासिक पाळी दिवस हा साजरी करणार आहोत. त्यानिमित्ताने आपण समाजामध्ये सगळीकडेच मासिक पाळीला घेऊन बोललं जात नाही, खूप ओपनली बोललं जात नाही आणि याबद्दलचं खूप लोकांमध्ये वेगवेगळे शंका आहेत, काही गैरसमज आहेत आणि ते दूर करण्यासाठी आपण हा दिवस 28 मे रोजी आपण हा या निमित्ताने मासिक पाळीच्या बद्दल जनजागृती करीत आहोत पथनाट्याच्या माध्यमातून. तो उजास ये आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है जो महावारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस और एम्पावरमेंट प्रमोट करता है. तो हमारा उद्देश्य ये है, जैसे आप जानते होंगे 45% गर्ल्स को लगता है इंडिया में कि ये महावारी कोई प्रॉब्लम है, और उसमें 70% मदर को लगता है कि मेरी बेटी इम्प्योर होती है वो टाइम पे, 23% लड़कियां स्कूल से छोड़ देती है जब उनको महावारी होती है, 2 में से 3 लड़कियों को पैड क्या है समझ में नहीं आता है. आप समझ सकते हैं इतना हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, इतना इग्नोरेंस है. तो उजास का ये उद्देश्य है कि वो इग्नोरेंस को जो स्कूल्स में यंग लड़कियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, इवन उनके भाई बापों जो होता है, वो जो पता नहीं है उनको, उसके बारे में अवेयर करना पहले तो कि ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ नेचुरल है और यू नो मेंस्ट्रुएटिंग इज नेचुरल, महावारी इज नेचुरल, उस पर उसके बाद हेल्थ, वो हेल्थ की बात है. तो कैसे आपका हाइजीन, अभी भी कितने लोग क्लॉथ यूज करते हैं जो अनहाइजीनिक है. तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो पैड्स भी देता है उनको एम्पावर करने के लिए. तो अवेयर करता है, पैड्स देता है उनको एम्पावर करने के लिए. अब सब तो हमेशा पैड यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको ये भी सिखाते हैं कि क्लॉथ पैड्स अच्छे वाले कैसे बना सकते हैं और फिर वो बेच के अपना वो जीवन भी कैसे चला सकते हैं. तो हमारा 3-स्टेप प्रोग्राम है जहां पर पहले हम अवेयर करते हैं, दूसरा हम उनको एम्पावर करते हैं, पैड्स यूज करके देखो उसका फायदा देखो, तीसरा उनको बोलते हैं अभी कैसे तुम पैड्स यूज कर सकते हो, खुद बनाओ अपने लिए भी करो बेचो भी. तो वो भी हम उनको हम कर रहे हैं. स्कूल्स में जाके हम वर्कशॉप लेते हैं, कम्युनिटी में जाके स्ट्रीट प्ले करते हैं कि लोगों को मालूम पड़े, हम जगह जगह पर पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगाते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी होती है. तो ये सारा कुछ हमारा यही उद्देश्य है कि कल मेंस्ट्रुअल डे है वर्ल्ड का, तो कि विमेन सब जगह पे समझे कि महावारी होना, मेंस्ट्रुएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई डर्टी चीज नहीं है, इसमें आपके हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. और मोर ओवर जो ये स्ट्रीट प्ले आज हुआ,
आप जो भी औरतें सुन रही हैं मुझे, उनको पता है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन हो जाता है इंसान, गुस्सा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है लोगों को जो इंटरेक्ट करते हैं कि जबर से चिड़ नहीं रही है वो औरत, उसको अंदर एंडोक्राइन हार्मोनल चेंज हो रहा है इसलिए, तो ये सारा मेंटल हेल्थ भी स्ट्रेस देता है कभी कभी, यू नो। तो ये चीज सोचिए अर्बन में है तो रूरल में कितना होगा, तो ये सारी चीजों को हम उजास के द्वारा हम एड्रेस करते हैं। उजास हमारा आई थिंक डेढ़ साल से हमारा चल रहा है काम, उजास में डेढ़ साल पहले लॉन्च हुआ था, हमारे ट्रस्टी अद्वितेशा बिरला वो हेड करते हैं उजास के इनिशिएटिव को। उजास महाराष्ट्र में फैला हुआ है, 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है महाराष्ट्र में, और अभी बिहार में भी काम चल रहा है हमारा उजास के लिए। तो फिलहाल तो महाराष्ट्र के 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं और बिहार स्टेट में भी कवर कर रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये, और हम और चाहते हैं कि आप लोग हमारा प्रमोशन करें तो और लोग हमको बुलाए कि हमको ये, हमको अवेयर करना है हमारे बच्चियों को, हमारे कम्युनिटीज को उसके बारे में। तो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ हमारे जो रीच है, हमने 4000 से ऊपर अवेयरनेस सेशन किए हैं, ओके, उसमें से कम 1.5 लाख करीब लाइफ टच के लोगों को हम लोग मिले हैं, ओके, और ये तो 24,73,000 उससे भी ज्यादा हमने सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डेढ़ साल में इतना कुछ हमने कर लिया, हम चाहते हैं हमारे नंबर और बढ़े, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हम और डिस्ट्रिक्ट्स में जाए, हम बिहार अलग अलग स्टेट्स में जाए, ये भी हम चाहते हैं। अरे ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, तुम लोगों ने ना घर पे रहकर छुप कर छुपना चाहिए ताकि किसी को कुछ पता ना चले, समझी, और तुम्हारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो सके। तकलीफ तो हमें होती है इस महामारी के समय में, शारीरिक तकलीफ, और तुम जैसे लोगों के इन्होंने सोच के वजह से मानसिक तकलीफ, इसलिए हमें इस कानून को तोड़ना है, निडर होके सबको कहना है क्योंकि महामारी महिलाओं का कहना है, इसलिए हम सबका कहना है सेफली 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 सेफली। बड़े तकलीफ के होते हैं, हाँ मेरे भी वो 5 दिन
स्कूल की परीक्षाओं के भीते ना, तब जाकर मेरी जान छुटी है। बहुत टेंशन आता है। अच्छा, तो आप स्कूल की परीक्षा के बारे में बोल रहे हो? हाँ, वही दिन। और मैं मेरे जिंदगी की परीक्षा के बारे में। जिंदगी की परीक्षा मतलब? मतलब पापा मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। क्या? हाँ पापा, मुझे डांटो मत और मारो मत प्लीज। मैं ना, मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी और ना किसी भी चीज का हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं रसोई घर में भी नहीं जाऊंगी और पूजा घर में भी नहीं जाऊंगी, आपकी नजर के सामने भी नहीं आऊंगी। मुझे ये सब मम्मी को बताना था, लेकिन मम्मी तो घर पे नहीं है ना, तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ता है। देखो, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। नहीं, मुझे छुओ मत पापा, मैं अभी अपवित्र हो चुकी हूँ ना। क्या अपवित्र? किसने कहा? मुझे सब पता है, मैंने सुना था। इसका मतलब तुम्हारी माँ भी अपवित्र है, तुम्हारी दादी माँ भी अपवित्र थी, है ना? तुम्हारी चाची, मौसी और ये सब महिलाएं जो होती है वो सभी अपवित्र है, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में इस मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है, क्या है ना, मासिक धर्म आना ये आप बात है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इसमें डरना क्या और घबराना क्या और शर्माना क्या? देखो, आज माँ नहीं है इस वजह से तुमने मुझसे ये बात की है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक लड़की इसके बारे में लीडर होकर बात करे, क्योंकि घबराना नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हें भी अगर इस टैबू को तोड़ना है तो लीडर होकर महामारी के बारे में खुलेआम बोलना है, क्योंकि महामारी महिलाओं का कहना है। इसलिए सबसे कहना है, स्टे फ्री, स्टे फ्री, स्टे फ्री, स्टे फ्री। देखा देखा, क्या डेंजर लड़के है यार, क्या आपने पिताजी के सामने खुला बोल दिया डायरेक्ट? अच्छा, इससे वो डेंजर है? अरे मैं तो कहता हूँ कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक लड़के और लड़की को महावारी मासिक धर्म यानी पीरियड के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि ये पीरियड्स तो आम बात है, समझे? अरे ये तो नेचुरल प्रोसेस है, वैसे तो ये सब जानते हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। हाँ, क्योंकि मैं बोलूंगा तू बोलोगे के बोलना है, बोलेगा तू बोलोगे के बोलना है। या 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 मैं तुम्हें बच्चे की दिन तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं जो मांगूंगी वो दोगे? सब कुछ, ये चांद तारे सितारे ग्रह, ये सब कुछ, ये सब दोगे? नहीं, ये छोटी कुछ भी मांगो तो दूंगा, अगर नहीं दिया तो मेरी जूती तुम्हारा सर, मतलब तुम्हारी जूती और मेरा सर तुम मार लो तो मुझे पैर से। एक मिनट, मारो। अरे तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अरे तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेडिकल नहीं जाऊंगा, अरे वहां से तुम, मैं क्या पैर खरीदू? अरे किसी ने देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे मुझे? जब हम रोज ये पैर लेने के लिए मेडिकल में जाते हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज तुम जाओ और तुम जाके पैर लेके आओ, क्योंकि तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। भैया समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता। अरे लेकिन मैं जाओ पैर लेके आओ। ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, इसलिए ये आप चीज के लिए घबरा रहा है। अरे पैर चाहिए, पैर बोल ना। ये देखो, ये बिना शर्त के सबके सामने पैर मांग रही है और बोल रही है कि आम बात है। देखो भाई साहब, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। अरे आज अपने पार्टी का एकदम फिक्स है ना, अबे दादू ने देखो किसको भेजना, मतलब अपने राकेश को भेजो ना, अभी वो बड़ा हो रहा है। हाँ तो फिर, अरे तो किसी ने देख लिया तो क्या हुआ, ये तो आम बात है। और हाँ, उसके बाद उसको सिगरेट का पैकेट लेने को भी भेजना। अरे देखने देना भाई, ये तो आम बात है। तो ये आम बात है, मतलब खुले आम बिना शर्म से दारू खरीदना, सिगरेट खरीदना, गुटखा खा के यहाँ बाहर थूकना, ये आम बात है, और पैर खरीदना ये शर्मनाक बात है। अरे भाई साहब, हमें कोई बीमारी ना हो, हम सुरक्षित रह पाए, इसीलिए पैर का इस्तेमाल करना जरूरी है। और जरूरत की चीजें मारने में कौन सी शर्म? अरे हीरो, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है तो पैर लेने में। हम बोलेंगे तो बोलते हैं कि बोलती है, पर हम नहीं बोलेंगे तो आप हमें कभी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इसीलिए
इस टैबू को तोड़ना है और लीडर होकर महामारी के बारे में खुलेआम बोलना है, क्योंकि महामारी महिलाओं का कहना है। इसलिए तो हम सबको कहना है।